नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारासर के कार्यभार संभालते ही नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारासर के नेतृत्व में पिछले एक महीने से नशे के खिलाफ चले अभियान से क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार में कमी आई है। बीते एक माह में लगभग 22 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 से अधिक अभियुक्त अवैध शराब की बिक्री में पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारासर ने कहा कि बीते एक माह में लगभग 2000 पाउच कच्ची शराब पकड़ी जा चुकी है और उनके नेतृत्व में लगभग कई भट्टियां नष्ट की जा चुकी हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी शराब के लगभग 60 पौवे बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन मामलों में पुलिस द्वारा 7 गाड़ियां सीज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उनका कहना है कि इस कारण क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब पर अंकुश लगाने में लगभग उन्हें कामयाबी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कैसे नशा जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, इसीलिए उन्होंने विद्यालयों में महिला चीता पुलिस दल की नियुक्ति की है, जो अपना कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सिविल ड्रेस में भी पुलिस रैंडम चेकिंग में है, जो होटल, ढाबे और अन्य स्थानों में लगातार चेकिंग कर रही है। पुलिस अपने कार्य में हर तरीके से मुस्तैद है और इसमें स्मैक और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनूप झा की रिपोर्ट। हमारा नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान चल रहा है, उसमें प्रिवेंटिव एक्शन में देखा जाए तो हमने 22 केस रजिस्टर किए हैं और अभी तक 24 अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो 2000 पाउच जो अपनी कच्ची शराब है वो पकड़ी गई है, तथा काफ़ी जो भट्टियाँ हैं वो डिस्ट्रॉय भी की गई हैं। इसमें इंग्लिश में देखा जाए तो हमने 60 के लगभग जो अपने पौवे होते हैं वो भी पकड़े हैं। व्हीकल के ऊपर कार्रवाई देखी जाएगी तो अपने 7 व्हीकल हमारे जो पकड़े गए हैं इसमें, जिसमें एक्साइज एक्ट पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हमारा पुलिस एक्ट में हमने 100 से अधिक जो चालान किए हैं पिछले एक महीने में, जो कि पीते हुए पाए गए हैं लोग या फिर कोई पिला रहा है उसके खिलाफ। इसका जो कार्रवाई का असर है वो तो देखा जा रहा है कि अब बिकना थोड़ा कम हुआ है, पर अभी भी जैसे हम दोनों तरह से काम करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहते हैं, तो हम स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं उसमें ना, कि स्कूल में जाके जैसे बच्चों को हम बता पाएं कि नशे के खिलाफ कि नशा कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो हमने एक महिला चीता और चलाई, क्योंकि महिलाओं के थ्रू जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से जा सकता है, तो इसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी तथा हमने सिविल ड्रेस में जो अपने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको लगा के अलग अलग जगह रैंडम चेकिंग करना, ढाबों में चेकिंग करना, तथा जहाँ बिक्री हो रही है वहाँ पे चेकिंग करना, ये कार्रवाई कराई जा रही है।